जो आज मैं बच्चों के लिए बनाना ट्राई करने वाली हूँ। मैं ऐसे ही बैठी थी और मैंने सोचा कि हाँ ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। सो वो है न्यूटेला फिल्ड ब्रेड रोल्स बोल लें, या अगेन नाम हम सबको टेस्ट कराने के बाद डिसाइड करेंगे। सो ब्रेड का जैसे हम फिलिंग करके डीप फ्राई करते हैं, उसका मैंने अब तक हमेशा सेवरी फिलिंग किया है मैंने, तो आज मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल उसी प्रोसेस में ब्रेड को थोड़ा रोल करेंगे, उसमें हम न्यूटेला की फिलिंग डालेंगे और उसको मैदे में डिप करके डीप फ्राई करेंगे। सो लेट्स सी वो कैसा होता है, एंड इफ रिक्वायर्ड हम गरम गरम में उसको हल्की सी पाउडर शुगर की कोटिंग दे सकते हैं, बट ओनली इफ रिक्वायर्ड, अगर हमें ज्यादा स्वीट चाहिए तो ही। तो यहाँ मैंने ऑयल जो है गर्म होने रख दिया है, तब तक हम अपने ब्रेड को रोल करके ये फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैदा ले रही हूँ, इसके साथ क्या करना है डिटेल में सुनिए। सबसे पहले हमें मैदे की एक स्लरी रेडी करनी है। ये देखिए मैंने इसमें मैदा ले लिया है, ठीक है, और मैं कुछ गिराऊं ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो मैंने मैदा गिरा भी दिया है। और इसमें अभी हम डालेंगे अंदाजन पानी। स्लरी जो है वो थोड़ी सी थिक चाहिए हमें, जैसे कस्टर्ड होता है ना थोड़ा थिक सा, वैसे बनाना है हमने। तो ये मैं मिक्स भी करती जा रही हूँ और पानी भी ऐड करती जा रही हूँ। मैंने इस हाफ कप के अलावा और पानी भी ऐड किया है इसमें, और ये देखिए हमारी फाइनल कंसिस्टेंसी ये है, कुछ इस तरीके से। देखिए करीब से भी देख लीजिए, ठीक है। हमारी जो स्लरी है ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है, हमें ज़्यादा पतली नहीं चाहिए, थोड़ा उसमें थिकनेस होना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम ब्रेड में आज थोड़ा सा लिक्विड फिलिंग दे रहे हैं विच इज न्यूटेला, तो हमें ज्यादा देर उसको रखने का स्कोप नहीं होगा, इसलिए जब तक हम उसे रेडी करें वी शुड बी फटाफट वो फ्राई होने का स्कोप होना चाहिए। तो मैदे की स्लरी रेडी कर ली है, अब हम एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स निकाल लेते हैं और फिर जल्दी जल्दी से असेंबलिंग करके फ्राई करते हैं। मेरे पास ये वाले ब्रेड क्रम्स हैं जो मैं हमेशा यूज करती हूँ, इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ओके, सो सक्सेसफुल, ये देखिए बहुत अमेजिंग, आई थिंक न्यूटेला ब्रेड पफ्स हम इसे बोलते हैं, बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं और क्रैक भी नहीं हो रहे हैं, और बहुत इजी है, बहुत झटपट बन रहे हैं। बस आपकी हर चीज रेडी होनी चाहिए, या ऑयल शुड बी हॉट, एवरीथिंग शुड बी रेडी। लेकिन आई थिंक आज तो मैं डायरेक्ट फ्राई कर रही हूँ, बट अगर आप इसको असेंबल करके थोड़ी देर फ्रिज में रख के फ्राई करें तो भी शायद ये बिल्कुल परफेक्ट निकलेंगे, पर फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। इट्स ऑलरेडी 6:30, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है, तो हम फटाफट जितने बना सकते हैं उतने बनाते हैं। चलिए अब मैं असेंबल के वक्त आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ तक कैसे अचीव। ओके, सो ये मैंने ब्रेड स्लाइस ले लिया, उसके मैंने साइड्स काट लिए हैं, अब इसको हम हल्का सा रोल कर लेंगे और हम इसमें डालेंगे हमारा डिजायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूटेला। मेरे ना आज आइसिंग कोन्स खत्म हो गए हैं, अगर आपके पास आइसिंग कोन्स हो तो आई थिंक उसमें फिलअप करके डालना सबसे इजी रहेगा, बिल्कुल भी मैसी नहीं होगा। अगर आपके पास वो है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो फिलिंग करते वक्त कंजूसी मत कीजिएगा और बहुत ज़्यादा भी मत कर दीजिएगा, वरना वो पैक नहीं होगा, फट जाएगी आपकी ब्रेड। मतलब मेरा पॉइंट है कि जब बाइट लिया जाए ना तो प्रॉपर चॉकलेट मुंह में आनी चाहिए, तभी तो मज़ा है। इसे कर देंगे फोल्ड एंड हल्का सा, ये देखिए एजेस को आप पिंच कर लीजिएगा, नॉट दैट इट्स गोइंग टू गेट स्टक, बट जस्ट पिंच इट अ लिटिल। और उसके बाद ये जो हमने स्लरी रेडी किया है इसको मिक्स करते हुए आप इसको इसमें क्विक डिप दोगे, एकदम क्विक, ज़्यादा नहीं वरना टूट जाएगा, एंड देन यू विल पुट इट इन योर ब्रेड क्रम्स, और फिर आप ब्रेड क्रम्स को इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लोगे। ओके, That's it. ये आपका रेडी हो गया, ये हो गया रेडी। बस आपको इसे फ्राई करना है, लेकिन अगर इस स्टेप पे आपको कहीं पे क्रैक दिख रहा है ना, आपको इसे लग रहा है न्यूट्रला बाहर आ रहा है, तो आपको पता है क्या करना है, आपको सिर्फ उतना पोर्शन क्विकली स्लरी में डिप करना और क्विकली उसको वापस से मैदे से कोट करना है, एंड यू आर सॉर्टेड। सो चलिए अभी हम डाल देते हैं इसे अपने ऑयल में। मैं अकेले डाल रही हूँ और ऑयल बहुत गर्म है तो ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएगा।
सो चलिए क्विकली एक बार फिर से देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पे इसमें चॉकलेट डाल दिया डिज़ायर अमाउंट, और इसके बाद इसको फोल्ड कर लिया, इसके बाद प्रेस कर लिया, फिर हम इसे डिप करेंगे मैदा में। हर बार मैदा को थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा ताकि वो पाउडर नीचे सेटल हो जाता है ना, वो ना हो, और फिर तुरंत ही हम इसको डिप करेंगे अच्छे से क्रम्स में। ये मेरे क्रम ख़त्म हो गए तो मैं ऊपर से क्रम्स डाल रही हूँ प्लेट में। अब देखिए इस वाले में, ये देखिए ये ओपनिंग रह गई ना हमारी खुली, क्योंकि हमारा चॉकलेट थोड़ा सा बाहर की तरफ आ गया, बट नथिंग टू वरी। इस तरीके से आप स्लरी में डिप करेंगे, और फिर ये रहा ब्रेड क्रम्स, इस हमने कोटिंग लगाया, उसको अच्छे से डैप किया, एंड दैट्स इट, ये हो गया रेडी टू फ्राई। और फिर मेरे हाथ रुके ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि नीचे हम लोग एटलीस्ट 12 लोग तो होते हैं इफ्तार के लिए, और सबके लिए एटलीस्ट एक एक तो बन ही जाना चाहिए, इसलिए मैं लगी रही फटाफट, और ये ना बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है, तो मुझे होप थी कि मैं इफ्तार के टाइम तक अचीव तो कर ही लूँगी, और कर लिया।